Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mughalpura. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज 1 अक्टूबर फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के ख़ास खबरें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के इलाके में मौजूद प्राइमरी स्कूल की हालत ख़राब। वहां के बच्चे स्कूल के खाना बना रहे हैं जबकि स्कूल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो खाना बनाए और आखिर में बच्चों को दूध में पानी मिलाकर दिया जाता है। ये सीएम योगी की हुकूमत का डेवलपमेंट है जो छोटे स्कूल के बच्चों से पकवान करवाने लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स इस तरह पढ़ाई करने के बजाय काम करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने इस ताल्लुक से तहकीकात का आगाज किए। शिमला के इलाके काची घाटी में 8 माले की इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन काफ़ी माली नुकसान हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही अंदेशा हो गया था इमारत गिरने का। अंदेशे की बुनियाद पर इमारत गिरने से पहले ही रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया जिसके बाद इमारत तबाह हो गई। मुंबई से है खबर, जहां एक ज़ईफ़ खातून 65 साल के निर्मला जो घर के बाहर बैठी थी आरी कॉलोनी में शाम 7 बजे अपने चलने की छड़ी के साथ वो घर के बाहर बैठी थी, जिसके बाद अचानक से पीछे से चीता आया, उन पर हमला किए। वो अपने चलने की छड़ी से उस चीते को हकाल दिए। आवाज़ सुनकर मौजूदा लोग जमा हो गए। निर्मला फिलहाल महफूज है। इंडिया के पसंदीदा शख्स विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी ने साल 2019 और साल 2020 के दरमियान 7,904 करोड़ रुपए गरीब गुरबा के लिए डोनेशन दिए। बताया जा रहा है अजीम प्रेम जी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान रोजाना गरीब लोगों की मदद के लिए करीब 22 करोड़ रुपए डोनेशन दिए हैं। कभी भी इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो तो फौरन अजीम प्रेम जी इंडिया के शहरियों के लिए मदद करने सामने रहते हैं। मारूफ व मशहूर एक्सपो 2020 दुबई की शुरुआत जुमेरात के दिन हुई अजान की आवाज के साथ। इस मौके पर छोटे बच्चे ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। एक्सपो 2020 दुबई के इफ्तिदा के मौके पर इंडिया भर में 1,700 लोग 1,000 करोड़ रुपए के मालिक है। IIFL वेल्थ हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2021 ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि इंडिया देश रोज़ाना अमीर बनते जा रहा है और इंडिया के अमीर शख्सियतों को रोज़ाना 2,020 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। इनमें से 1,700 लोग और उसमें से 13 लोग 1,00,000 करोड़ रुपए के मालिक बताए गए हैं। सऊदी अरब से है ये वाकया, जहां सऊदी खातून ने अपने शादी के 2 दिन बाद शौहर से तलाक की मांग की। बताया जा रहा है शौहर टखला था यानी गंजा था, इसीलिए खातून डिवोर्स लेना चाह रही थी। खातून ने कहा कि शादी के दौरान उनके शौहर ने अपना गंजापन सफ़ेद घुतरा पहनकर छुपाया था और धोखा दिए, इसलिए खातून ने डिवोर्स की मांग की। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्ट्री के पोस्ट से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से निकल जाएंगे लेकिन बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वो अपने आगे की सियासी प्लानिंग्स छुपा कर रखे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सर्वे के मुताबिक कहा कि कांग्रेस दिन पे दिन पंजाब में कमजोर हो रही है। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन की कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है। साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है। 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।